नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। कानपुर के बिकरऊ गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में ठेर हो गया। इसको ख्यात अपराधी के खात्मे के साथ ही कानपुर के बिकरऊ और आसपास के गांव में आज से एक नई सुबह हुई है, क्योंकि विकास दुबे की दहशत सिर्फ उसके रिश्तेदार या गांव वालों में ही नहीं थी, बल्कि उसने आसपास के क्षेत्रों में भी दहशतगर्दी का माहौल बना रखा था। इसलिए जघन्य अपराध का ये किस्सा खत्म होते ही लोग खुशी मनाने लगे। बिकरऊ गांव से कुछ दूर शिवली गांव में लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। इस गांव के लोग विकास दुबे से इतना खौफ खाते थे कि उनका कहना है कि उन्हें आज नई आजादी मिली है। शिवली गांव में विकास दुबे की अदावत झेल रहे ललन वाजपेयी ने अपने घर में खुशियां मनाई। ललन वाजपेयी के घर विकास दुबे ने साल 2002 में बम और गोलियों से हमला करवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में 3 लोग मारे गए थे। विकास दुबे और ललन वाजपेयी पहले दोस्त हुआ करते थे। इस घटना के बाद उनके बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। बता दें कि कानपुर देहात का शिवली कस्बा कभी विकास दुबे का आपराधिक गढ़ हुआ करता था। शिवली से ही विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 2002 में शिवली के ललन वाजपेयी पर विकास दुबे ने हमला करवाया था। इस हमले में ललन वाजपेयी घायल हो गया था। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद आसपास का सारा समाज बहुत खुश है। यहाँ के लोगों को लग रहा है कि उन्हें एक नई आजादी मिली है। ललन वाजपेयी ने अपने समर्थकों के बीच मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। तो बिकरऊ गांव में भी लोगों ने विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद मिठाइयां बांटी। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये पूरा क्षेत्र बहुत खुश है, ऐसा लगता है कि आखिरकार हम आजाद हो गए हैं। यह आतंक के एक युग का खात्मा है, हर शख्स आज बहुत खुश है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस कर्मियों का कानपुर शहर में सम्मान किया गया। लोगों ने उन्हें फूल की मालाएं पहनाई और उनका स्वागत किया। लाला लाजपत राय अस्पताल के बाहर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। तो वहीं अंतिम संस्कार के दौरान गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों पर भड़क गई और कहा कि वक्त आने पर मैं सबका हिसाब करूंगी। मीडिया के सामने तो ऋचा नहीं आई, मगर दूर से मीडिया कर्मियों को कोसते हुए कैमरे में कैद हो गई। सबसे खास बात यह रही कि अंतिम संस्कार के दौरान पत्नी बेटे के अलावा सिर्फ एक निकट के रिश्तेदार मौजूद रहे। विकास के माता पिता ने भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा उससे कोई भी नाता नहीं है। उसके पिता राम कुमार दुबे ने पुलिस कार्रवाई को ठीक बताया और सीएम योगी की तारीफ भी की। यानी कि अपराधी विकास दुबे के खात्मा से हर कोई खुश है, चाहे वो उसके आसपास के क्षेत्र के लोग हों या फिर उसके खुद के रिश्तेदार। हर कोई अब आजादी महसूस कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।